हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजलि, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई सब्जी की रेसिपी। तो हम जब भी सुबह उठते हैं, हाउसवाइफ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम सुबह सुबह क्या बनाएं, और सब्जियाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं है कभी कभी, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या बना के और जल्दी से जल्दी बना के खा सकें। तो हमारे घर में जो भी सब्जियाँ होती हैं उसको हम रोज़ रोज़ वही उसी तरह से बना बना के थक चुके होते हैं, और जो हमारे साथ साथ में जो रहने वाले होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, उनको भी वो भी रूप ऊब चुके होते हैं, और वो भी हमारे खाने से प्रॉब्लम करने लगते हैं कि इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। तो हम अगर उन्हीं सब्जियों से कुछ नया और कुछ डिलीशियस बना के अपने घर में सर्व करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कोफ्ते, आलू के कोफ्ते कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आलू के कोफ्ते बनाने वाली हूँ। तो जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मेरा वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। ये मेरे पास 5 आलू थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इन लाल मिर्ची को डाल दूँगी मैं 1.5 चम्मच जैसा, धनिया पाउडर भी डाल दूँगी मैं 1.5 चम्मच, गरम मसाला मैं थोड़ा कम डालने वाली हूँ। अब हमें इसको मैश कर लेंगे। आलू ठंडे हो गए थे तो उनको मैश करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे इस तरह से। डो बनाते हैं हम, उस तरह से हम बना लेंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसको लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आलू थोड़े से गर्म होते हैं, तो फिर जो हमारा जो पिट्ठी बनती है या जो आलू का डो जैसा बनता है वो फिर अच्छा परफेक्ट नहीं बन पाता है, उसमें थोड़ा पानी आ जाता है, पानी छोड़ देता है वो। तो इसलिए हमको हमेशा जब भी आलू की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको नमक को हमेशा लास्ट में ऐड करें, ताकि जो आलू हैं वो पानी ना छोड़ें। और लास्ट में ऐड करने से जब तक आप और चीज़ें मिक्स करेंगे तब तक आलू ठंडे हो जाएंगे, तो आप लास्ट में ऐड करेंगे नमक तो वो ठंडा होकर ही नमक ऐड अच्छे से भी हो जाएगा और वो पानी भी नहीं छोड़ेगा। अब हम दूसरा पेस्ट बना लेते हैं जिसमें हम आलू को उसमें डिप करके डीप फ्राई करेंगे। तो ये ले लिया है मैंने मकई का आटा, इसको हम छान लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, बेसन को भी हम छान लेंगे फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से छान के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, मसाले भी ऐड कर लेंगे थोड़ा बहुत, और पहले से ही हमारे आलू में भी थोड़े से मसाले थे इसलिए हम थोड़ा ही मसाले ऐड करेंगे इसमें। और अब फिर इसके बाद हम डाल देंगे नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो हम इससे धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और इसे लम्प फ्री पेस्ट बना लेंगे इसका, ताकि हम जो बॉइल्ड आलू का मसाला जो हमने तैयार किया है वो अच्छे से इसमें डिप कर हो जाए। तो धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो लम्प फ्री हमारा पेस्ट है वो बन गया है, तैयार हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, इस तरह से वो गिरना चाहिए, ताकि जब हम उसको बॉल्स बना के इसमें हम आलू को डिप कराएं तो वो अच्छे से उसमें चिपक जाए और वो फ्राई होने में अच्छे लगे। इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने जो पहले से ही आलू जो थे वो हमारे हमने उसमें पहले से ही जो चीज़ें ऐड कर ली थी, मसाला ऐड कर लिया था। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से फ्रेंड्स, जो बेसन का होता है ना, बेसन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें अजवाइन ऐड करने से उसकी जो टेस्ट है उसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उससे दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि बेसन की चीज़ों खाने से जो कभी कभार हमारे पेट में पचती नहीं है वो बेसन की चीज़ें, तो वो भी अजवाइन खाने से पच जाती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है।
इसको और टेस्ट भी अच्छा बनता है, तो आप ज़रूर डालें अगर बेसन का कोई भी सामान बना रहे हैं तो। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा धनिया, ताकि जो उसकी ऊपर की लेयर है वो ग्रीन और थोड़ी येलो दिखे, तो उसका देखने का जो व्यू है वो अलग ही आएगा। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, क्योंकि जब भी हम क्या कहते हैं ये बॉल बनाने के लिए आलू लेंगे तो वो थोड़ा सा हाथ में चिपकेंगे, और अगर हम इस तरह से रख लेंगे तो फिर वो चिपकेंगे नहीं हाथ में। फिर इस बॉल को हम इस तरह से इसमें डिप कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छी बॉल अभी से ही लगने लगी है। अब हम इसको डिप कर लिया है, मैंने दो चार बॉल बना के मैंने रख ली थी, अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमारा ऑयल है वो हो गया है, मतलब गर्म हो गया है। इस तरह से हम धीरे धीरे इसको छोड़ते जाएंगे, और आप उतने ही बॉल्स इसमें डालिए जितने आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बॉल डालने वाली हूँ, तो कहीं अभी हम इसमें कुछ भी करछी वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर हम पहले से ही इसमें करछी वगैरह लगाने लगेंगे तो जो हमारा जो कोट बना हुआ है इसका बेसन का वो छूट जाएगा उसके से आलू के से, और वो छूट जाएगा तो फिर जो आलू है वो फैलने लगेगा सारा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इनको हम धीरे धीरे इस तरह से नीचे जो चिपक गया है बेसन उसको हम इस तरह से छुटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बॉल एक तरफ से सिक गई है, अब दूसरी तरफ से भी हम इसको ऐसे घुमा के सेक लेंगे ताकि इसमें चारों तरफ से जो बॉल्स हैं वो सिक जाए हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारे बॉल्स हैं वो प्रिपेयर हो गए हैं, वो तैयार हो गए हैं। देखिए इनका कलर इस तरह से आ गया है इनको। अब हम इनको निकाल के एक साइड रख लेंगे, इसी तरह से हम सारी बॉल्स को प्रिपेयर करके बना के रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी बॉल्स हैं वो तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हैं ये मैं दबा रही हूँ तो ये कितनी सॉफ्ट हैं, ये मुँह में डालते ही घुल जाएंगी। तो अब हम हमारी जो बॉल्स हैं वो प्रिपेयर हो गई, इनको हम अलग रख देते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज था तो वो मैंने ले लिया है, इसको हम काट के छोटा इसमें जार में डाल देंगे, मिक्सचर जार में। और मैंने दो टमाटर लिए हैं तो उनको भी हम छोटा छोटा चॉप करके इसमें डाल देंगे। ये ली थी मैंने 4 से 5 कलियाँ हैं ये लहसुन की, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मिर्ची है 2 मैंने ली हैं, इनको भी मैं छोटा चॉप करके इसमें डाल दूँगी। और ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैं छोटा सा चॉप करके इसमें डाल दूँगी। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर खड़े मसाले ले लिए हैं, आप मैंने थोड़े ही लिए हैं क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए खाना बनाने वाले हैं। मेरे यहाँ छोटू जज है और उसको हम ज़्यादा तीखा नहीं खिला सकते, वो ज़्यादा तीखा नहीं खा सकता, इसलिए मैं ये थोड़ी 2 लाल मिर्ची ले रही हूँ, एक ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, और ये तेज़पात के पत्ते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आप बड़ों के लिए खाना बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च को भी कूट के इसमें डाल सकते हैं मसालों में। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और ये पत्ते, और ये 2 मिर्ची भी डाल देंगे इसमें, और हम थोड़ा चला लेंगे इनको। उसके बाद हम फ्रेंड्स इसमें ये दालचीनी के टुकड़े को कूट लेंगे। जो मसाले पीसे थे हमने, टमाटर प्याज अदरक हरा धनिया वो हरी मिर्ची, तो वो सब हम इसमें डाल देंगे। अब और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब ये तेल छोड़ने लगे तब तक हम इसमें इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगा है, मसाला जो है हमने जो पेस्ट बनाया था वो थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगा है साइड साइड से। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने सारे मसाले। मसाले का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमने कई बार मसाले ऐड किए हैं
तो हमको बहुत ज़्यादा तीखी सब्ज़ी नहीं बनानी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे इसमें। और धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, पर मिर्ची हम थोड़ा ही ऐड करेंगे उसके कलर के लिए, क्योंकि उसमें पहले से ही मिर्ची बहुत है। और अब जो मैंने इसमें जो दालचीनी पीसी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मसालों को भी फ्राई कर लेंगे। पहले से ही मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे, अब मैं इस आलू को भी इसमें डाल दूंगी और फिर ग्रेवी तैयार कर लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे ये जो बॉइल्ड किए हुए जो हमारा पेस्ट था जो हमने बॉल्स बनाने के लिए बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देंगे इसमें। क्योंकि ये कोफ्ते बन रहे हैं आलू के, तो फ्रेंड्स ग्रेवी होती है वो थोड़ी रसे वाली होती है, इसलिए हम थोड़ी ग्रेवी इसकी थोड़ा रसा रखेंगे इसमें। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अभी से इसमें। अभी हमें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये नींबू काट के और हरा धनिया काट के डालेंगे। फ्रेंड्स इसमें अब बॉयल आने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये हरा धनिया। और अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा नींबू काट के। हमारी जो करी है वो तैयार हो गई है। अब देखिए इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह से आएगा, देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है ये और कितनी अच्छी सब्जी दिख रही है ये। अब हम इसमें जो बॉल्स हैं वो डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम इसमें बॉल डालेंगे तो जो बॉल है वो बेकार मतलब पिघल जाएगी, और वो बॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने आपको दिखाया था, तो इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं डालेंगे। जब भी हम किसी भी उसको सर्व करेंगे तो हम उसके ऊपर से ये ग्रेवी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये है कसूरी मेथी, इसको भी हम डाल देंगे लास्ट में, डालेंगे इसको भी हम घिस के, इस तरह से हम रगड़ के इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो करी है जो हमारी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और उसमें जो स्मेल है वो आ जाएगी, इतनी अच्छी स्मेल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी से इसमें स्मेल आने लगी है थोड़ी थोड़ी, और जब ये थोड़ा सा गर्म और हो जाएगा उसके बाद थोड़ी और स्मेल आ जाएगी, दूर से ही पता चलेगा कि इसमें सब्जी बन रही है आपके यहाँ कहीं से। तो अब हम इसे थोड़ा उबाल लेंगे और फिर ये तैयार है। देखिए फ्रेंड्स ये हो गई है तैयार हमारी प्लेट। अब हम इसको जज के पास ले जाएंगे, छोटू जज के पास, अब वो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना हुआ है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ी सी तो मेहनत लगती है पर बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। और जब भी कभी कोई मेहमान आए आपके यहाँ और आपके यहाँ कुछ भी ना हो बनाने के लिए, तो आप इस तरह से सब्जी बना के तुरंत का तुरंत बना के तैयार करके उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अपने जज के पास चलते हैं। छोटू जज चलो खाओ, पराठा खाओ छोटा सा। ये पापड़ क्या खा रहे हो? पराठा खाओ, बहुत पसंद है। हाँ तो पराठा पहले आप इस पराठे को खाओ, क्रिस्पी पराठा बनाया मैंने, इसको मैंने एक पराठे के साथ सर्व किया है। मस्त है। वाओ तो आप क्या दोगे मुझे? मार्किंग कैसे करो? 10 में से 10। थैंक यू। और सर देख रहे हो से मैं? हाँ 9। देखिए कट टू कट मार्किंग हो रही है। 9 ठीक है, 9 तो 9। जो आपने कल जो मैंने कल बोला था, क्या बोला था? कल बोला था 10, 9। कल नंबर दे दिए थे मुझे ज़्यादा, इसलिए पुराने वीडियो में मिल्क शेक वगैरह में, तो इसलिए वो आज नहीं देंगी मुझे नंबर। चलो खाइए। मैं तो लिखाऊँ देंगे ना? आप मेरे लिए कुछ बोल दोगे? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्लिक ले बाय।